नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं ओजस अधिया जी से, जो इस देश के बेहद युवा तबला वादक हैं, साथ ही साथ परिपक्व भी, बल्कि बेहद परिपक्व भी। कल हमने बातचीत का पहला हिस्सा देखा था, आज देखिए इस बातचीत का दूसरा हिस्सा। नमस्कार, मैं आपके सामने एक अजराडे घराने का सुरुफ का पैरा पेश कर रहा हूँ, तीन ताल में। कम उम्र में इतने बड़े बड़े कलाकार, आपको पंडित जी कह दें, या मैं उस दिन उस प्रोग्राम में देख रहा था कि अमजद अली खान साहब किस तरह से आपको आंखों से इशारा कर रहे थे कि हाँ अब तुम बजाओ। ये जो ये जी, प्यार जी। और ये जो ये प्यार अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारी लेकर आता है। ये प्यार ऐसे ही नहीं मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक बार बेताला होंगे तो फिर अगली बार कोई पूछता भी नहीं है, और बहुत जल्दी लोग कह रहे हैं वो तो साहब बजा नहीं पा रहे हैं, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये कितनी जिम्मेदारी है इस बात में कि कम उम्र में जब इस तरह से प्यार सम्मान सब कुछ मिलने लगे तो क्या करना पड़ता है? जरूर, उसके लिए तो सबसे पहले वो एक जिम्मेदारी उठाने के लिए रियाज, रोज का रियाज बहुत जरूरी है। साथ साथ में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो म्यूजिकली जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों आर्टिस्ट के बीच में, वो बहुत जरूरी है। अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल, उस दिन आपने अगर सुना होगा उस्ताद जी के साथ मुझे बजाने का मौका मिला, तो वो कॉन्सर्ट का जो एक फ्लो था, म्यूजिकल फ्लो था, वो बहुत ही अलग था। उस चीज को समझना एज अ तबला प्लेयर बहुत जरूरी है। वो माहौल में उस्ताद जी क्या चाहते हैं मुझसे, अगर उस्ताद जी ने मुझे अगर बजाने का मौका दिया और मैं बजाता रहा 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, तो उनको लगेगा कि ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि जब उस्ताद जी बजा रहे थे, वो खुद छोटे छोटे फ्रेजेस लेके मुझे बजाने के लिए दे रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि बी इन द मोमेंट, वो एक मोमेंट में रहना, कि वो मोमेंट में क्या चल रहा है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स रियाज तो है ही, सीखना है ही, और साथ साथ में ये चीजें अगर हम समझें कि सामने वाले मेन आर्टिस्ट जो है वो क्या कहना चाहते हैं और वो आपसे क्या कहलवाना चाहते हैं, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये काफी बचपने से ये ऑब्जर्व करते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं, तो समवेयर समहाउ इट हेल्प्स यू ऑन स्टेज। अच्छा, जब अभी आपने इतने सारे कलाकारों का नाम थोड़ी देर पहले लिया था, जब अमजद अली खान साहब के साथ बजा रहे हैं या हरी जी के साथ बजा रहे हैं या शिव प्रसाद शिव कुमार जी उनके साथ बजा रहे हैं, कहीं कभी कभी कोई घबराहट भी होती है क्या कि यार मतलब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? जी। अब घबराहट तो हमेशा होती है स्टेज पे जाने से पहले, डेफिनेटली हमेशा महसूस होता है कि यार आज क्या होगा, और तभी वो एक घबराहट होती है, और बस तभी वो एक मोमेंट है जो मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ और बस मैं कहता हूँ कि बचा लेना जो भी है, क्योंकि क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आप घर से सोच के या
दिमाग में चढ़ा के, या ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आज मैं ये बजाऊंगा या आज मैंने ये सोच लिया आज मैं ये बजा के ही रहूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपने सोच भी लिया हो तो वो एक स्टेज का माहौल और स्टेज का मोमेंट और स्टेज का एटमॉस्फेयर, उसके वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि आपने जो सोचा वो शायद आप बजा नहीं पाओगे, क्योंकि तभी वो एटमॉस्फेयर कहता होगा कि आप कुछ और बजाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो जरूर डर तो लगता है, एक नर्वसनेस तो होती है डेफिनेटली। आपके भले कितने भी प्रोग्राम बजा लिए, ये मतलब ये मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं दूसरे कलाकारों को ये होता है या नहीं होता है, लेकिन मुझे जरूर होता है। अच्छा ये भी बताइए, वैसे थोड़ा सा शायद मुश्किल भी होगा ये बताना, लेकिन कहीं लाइट क्लासिकल बजा रहे हैं किसी गजल में या किसी ठुमरी में, या फिर कहीं बहुत एकदम गंभीर शास्त्रीय संगीत चल रहा है, और या फिर कहीं थोड़ा सा फ्यूजन जैसा भी कर रहे हैं, पर्सनली ओजस को किस में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि पसंद तो सारे किसमें एक्साइटमेंट, यार आज तो मुझे ये, मुझे आज इनके साथ बजाने का मौका मिला, आज मैं ये कर दूंगा, या आज मुझे लाइफ में ये कर देना है, किसमें एक्साइटमेंट किसमें सबसे ज्यादा होती है? मुझे एक्साइटमेंट होती है क्लासिकल बजाने में, क्योंकि ऐसा होता है कि क्लासिकल बजाने में जैसे मैंने कहा कि नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज ऑन द स्पॉट। और जब हम अकंपनीमेंट, मैं अकंपनीमेंट की बात कर रहा हूँ, सोलो की भी बात नहीं कर रहा, अकंपनीमेंट जब करते हैं तो वो, जैसे मैंने अभी बताया कि खास साहब का एग्जांपल दिया था कि वो क्या चाहते हैं, तो वो आपको डिलीवर करना है, तो वो एक जो एक्साइटमेंट है वो एक खुद को क्या बोलते हैं चैलेंज करने की बात है कि अब क्या। वो एक्साइटमेंट हमेशा रहता है मुझे और आगे भी रहेगा। और दूसरी बात रही बात गजलों में बजाने की, ऑफ कोर्स गजलों में बजाने का मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि जैसे कल्याण जी भाई कल्याण जी के पास हम जाते थे तो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को हम लोग बहुत सुनते थे, गुलाम अली खान साहब को हम लोग बहुत सुनते थे। इवन जब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ मृदंगराज जी के पास, तो वहाँ पे भी काफ़ी सुनना होता रहता, तो वो एक। और गुरुजी ने दूसरी बात बताई थी कि अगर ये प्रोफेशन है आपका तो सारी चीज़ें बजानी चाहिए, हर चीज़ बजाना चाहिए, क्लासिकल भी बजाओ, गज़ल भी बजाओ, लाइट म्यूजिक ठुमरी वगैरह तो उसमें आ ही गया, और फ्यूजन भी बजाओ, सोलो भी बजाओ, रिकॉर्डिंग्स भी बजाओ, सब चीज़ें बजाओ। तो ये एक बचपन से माहौल रहा, तो एक्साइटमेंट ज़्यादातर तो क्लासिकल में रहता है मेरा, और गज़ल्स में भी रहता है, क्योंकि गज़लों में भी आपको वो बजाने का मौका मिलता है, वो स्कोप है तबला प्लेयर्स को। बिल्कुल, ठेका जब गाने के साथ ठेका बज रहा है और फिर बाद में अंतरे के बाद जब वापस मुखड़े पे आते हैं तो एक मजा होता है लगी बजाने का, थोड़ा सोलो बजाने का, तो दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि उसमें आप दिखते हो। और रही बात फ्यूजन वगैरह करने की, फ्यूजन में भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो पूरा दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें काफी रिहर्सल्स वगैरह करनी पड़ती हैं, क्योंकि फ्यूजन में अगर आप बजा रहे हो तो काफी दूसरे आर्टिस्ट्स भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल होता है या गाने वाले भी होते हैं साथ में, तो वो एक पैकेज होता है, अच्छा रिहर्सल करके उसको प्रेजेंट करना, दैट्स कॉल्ड अ शो, उसका भी एक अलग मजा है। उसमें भी कुछ कुछ चीजें, जैसे मेरा खुद का बैंड है, उसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग ने ऐसी छोड़ी है कि ये फ्रीलांस है, जो स्टेज पे जैसा बजेगा वैसे ही बजेगा, यू नो, तो उसकी एक म्यूजिक की वो ब्यूटी है, अगर उसको ना रखे तो शायद वो फिर वो एक क्या करते हैं, हाँ प्रैक्टिस करके बजा लिया, वो सब चीजें होती है। मैं जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको समझाना चाहूंगा बहुत ही ब्रीफली, जो ओजस कह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत में ऑन द स्पॉट कुछ नया सोचना होता है, उसकी जो थ्योरी है वो बहुत सिंपल है। जब आप कोई फिल्मी गाना गा रहे हैं या कोई आप गजल में बजा रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम पे चीजें तय हैं कि ये इसी तरह से इसी पैटर्न पे जाना है। क्लासिकल म्यूजिक में आपके पास आजादी है, आप जितना क्रिएटिव सोच सकते हैं उतना क्रिएटिव सोचिए और फिर डिलीवर कीजिए। ओजस सर, हाल में ही आपने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपका भी आया पर्सनल, जो आपके लिए एक बड़ा माइलस्टोन भी है, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जी जी जी, सो ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मुझे पता नहीं ये कैसे सूझा, बट मैं काफ़ी सालों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर सोच रहा था। दिस इज़ कॉल्ड तबला सिम्फनी, जो 2 तारीख को गुड़ी पाड़वा के दिन रिलीज हुआ,
और जब मैं इसके बारे में सोचा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये ग्रैंड होना चाहिए. और ऑफ कोर्स तबला इज अ मेन फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट. तबले को ध्यान में रखे हुए हम लोग ने उस पर चीजें कंपोज की हैं. और मेरे बहुत ही म्यूजिकल मतलब जो बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं उनके पिताजी बहुत ही बड़े कलाकार श्री आशित देसाई जी हैं. बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं. उनके बेटे आलाप देसाई जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा भी रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्शन भी कर रहे हैं. तो मैं बहुत सालों से उनके साथ काम करता आ रहा हूँ और उन्होंने खुद तबला सीखा है, वो खुद अच्छे तबला प्लेयर हैं. तो मैंने सोचा कि मैं उनको अप्रोच करूँगा. और क्योंकि हालांकि तबले की नॉलेज अच्छी रखते हैं तो मैं उनके पास गया और उनको मैंने ये एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया. तो वे बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग ज़रूर करेंगे. सो उन्होंने तबला सिम्फनी कंपोज की, जो मेलेडी पार्ट है सिम्फनी का वो कंपोज किया. और फिर मैंने बैठ के उनके साथ तबले का पूरा एक ट्रेडिशन ही, जो एक तबला सोलो रिपिटोर होता है, जो एक अंदाज होता है तबला सोलो का, उसको ट्रेडिशन को ही ध्यान में रखे हम लोग ने तबला सिम्फनी पेश किया है. और इसमें हम लोग ने चेन्नई स्ट्रिंग्स ऑर्केस्ट्रा को इंक्लूड किया क्योंकि चेन्नई स्ट्रिंग्स ऑर्केस्ट्रा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया. और उन्होंने भी ऐसा, जब हम रिकॉर्ड करने गए थे चेन्नई, उन्होंने भी ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी किया नहीं था ऐसा पता चला. तो देवर ऑल्सो म्यूजिशियंस जितने भी, 12 वायलिन्स, 6 वियोलास, 3 चेलोज, काफी सारे आर्टिस्ट आए थे बजाने के लिए. तो उनको भी इतना अच्छा लगा, फिर उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए हमको. तो ये एक बहुत ही मतलब अलग तरीके का प्रोजेक्ट है और साथ में दो बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो मेरे बहुत दोस्त अच्छे दोस्त भी हैं, मानस कुमार जो बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते हैं, उनके सोलो वायलिन हम लोग ने ऐड किए हैं. और साथ ही में बहुत ही बेहतरीन सैक्सोफोन प्लेयर हैं और जो की फ्लूट भी बजाते हैं, क्लैरिनेट भी बजाते हैं, आईडी राव. वो ये सब एलिमेंट्स आने के बाद जो एक म्यूजिकली जो एक होना चाहिए रिच साउंड कर रहा है, वो सब ये सब सारे कलाकारों की वजह से हो रहा है ना. मैंने सिर्फ तबला बजाया उसमें. हालांकि मैं जब ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था तो मुझे पता नहीं था कि ये कैसे होगा क्या होगा, लेकिन इट्स एवरीबडीज एफर्ट्स और सब लोगों ने इतने दिल से काम किया है कि उसका रिजल्ट अभी लोगों तक पहुंचा है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है. और मैं चाहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं हमें आज, वो जरूर तबला सिम्फनी सुने और ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुका है, यूट्यूब पर, टाइम्स म्यूजिक पे और सारे स्पॉटिफाई, आईट्यून्स और सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर. मैं यही पूछने जा रहा था कि आप बता भी दीजिए कि कहाँ इसको देखा जा सकता है, कहाँ सुना जा सकता है. तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे है. आपने मानस जी का जिक्र किया इस इंटरव्यू सीरीज में, मानस जी हमारे मेहमान रह चुके हैं और अच्छी बात है कि उनके लिए मुझे फोन किया एक दिन रोनूदा ने कि अच्छा शिवेन भाई आप सुनिए उनको, बहुत कमाल का बजाते हैं, एकदम कलेजा काट देते हैं. तो मैंने कहा फटाफट उनसे उनका नंबर दीजिए और उनसे बात करते हैं. बिल्कुल, बहुत ही इतने उनकी प्लेइंग इतनी रूदार है और इतना अच्छा बजाते हैं और हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, मोर देन 15 ईयर्स नाउ. तो बहुत एक भाई, हम लोग भाई हैं, म्यूजिकल भाई हैं और हमेशा हम लोग साथ में बजाते रहते हैं, सोलो भी बजाते हैं, तो एक बड़ा मजा आता है. उजस, अच्छा आखिरी सवाल ये बताइए कि जी जी जो 2 साल से शुरू हुई जर्नी है, जिसको दरअसल अगर आप सही मायनों में देखें तो आपको पता भी नहीं होगा, वो तो आपको बताया गया बड़े होने पर कि 2 साल में हुआ था, 4 साल में ऐसा हुआ था. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार का मिलना, मैं चूंकि जैसा मैंने इस इंटरव्यू के बीच में कहा था कि थोड़ी बहुत संगीत में मेरी दिलचस्पी है, क्या ये जो पुरस्कार है वो ये बताता है कि जो अब तक की साधना है या अब तक का जो संगीत सफर है वो सही रास्ते पर है, हम जो सीख रहे हैं सही कर रहे हैं और जिस तरह का संस्कार हमारे अंदर डाला गया
संगीत का वो सही रास्ते पर है, ये पुरस्कार यही बताता है या इससे ज्यादा कुछ बताता है? जरूर ये पुरस्कार जरूर ये कहीं हद तक बताता है, बट मैं पर्सनली समझता हूँ कि उससे ज्यादा वो एक आर्टिस्ट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये तो है ही, ये तो डेफिनेटली अगर किसी को आपका वादन आपका म्यूजिक अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली वो आपको अप्रिशिएट करेंगे. तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे अप्रिसिएशन मिला जरूर है, लेकिन इसके ऊपर मुझे और काम करना है जिससे मेरा म्यूजिक बढ़े और ना ही मेरा फोकस ये रहे. सो जैसे मुझे फोन करके बताया गया कि आपको मैं कहीं से ट्रैवल करके आ रहा था, तो मुझे बताया गया कि आपको, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा ध्यान कभी इस तरफ गया नहीं कि अरे वाह मुझे ये मिला, अरे वाह मुझे वो मिला, ऐसा कभी रहा नहीं. क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगा और ऐसा बचपन से ही ऐसा लगता गया कि मुझे और अच्छा रियाज करना है और मेरा गोल कुछ और है. मेरा गोल ये रहा कि अच्छा म्यूजिक लोगों तक पहुंचे. जैसे जैसे ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये जो तबला सिम्फनी हम लोग ने बनाया है वो भी उसमें भी ऐसा रहा कि हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं. हमें सिर्फ इतना बताना था कि ये हमने किया है और ये म्यूजिक लोगों तक पहुंचे. बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन. तबला ट्रेडिशन को साथ रखे और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को साथ में ब्लेंड करके जो हमने कोशिश की वो लोगों तक पहुंचाना था. और हालांकि मुझे काफी फोन कॉल्स भी आए और बताया कि ये इस म्यूजिक में या इस वीडियो में ऐसा कभी लगा नहीं कि आपने कुछ दिखाने की कोशिश की है या आप कुछ बजा के दिखाना चाहते हो या क्यों दूसरे म्यूजिशियंस कुछ बजा के दिखाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं लगा. तो हमेशा ऐसा रहा है कि अगर कोई अवार्ड भी मिला है तो ऐसा लगता है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है. बस वही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारा रियाज सबसे पहले तो चलता रहे और कुछ ना कुछ नई सोच हमें आती रहे और ताकि लोगों तक हम पहुंचा सके. बस ये सोच ऐसी ही रहे, ऐसे ही संस्कार रहे. आप अपने नाम के ही में जो जस शब्द है उसको यश में तब्दील करके फैलाते रहे. बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं रागगिरी की हमारी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत थैंक यू शिवेन जी और बहुत जल्द मुलाकात करेंगे इन पर्सन. और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.